हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप हमारे फन मिशनरी हंट और पाठक में स्वागत है। गाइस, हम आज बर्गर बनाने सिखाएंगे आपको। तो उसके लिए चाहिए होगा दो बॉयल। आपको इसके लिए आपको 5 आलू बॉयल वाला चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे मैच कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैच कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपको मैच करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर, वो भी 1 चम्मच, मतलब छोटे वाले 1 चम्मच, और आमचूर पाउडर। मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर कम से कम 1 चम्मच यूज़ करूँगी, छोटे वाला 1 चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। ये थोड़ा खट्टाई देता है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूँ। और ये हम बर्गर टिक्की बनाने जा रहे हैं, इसमें हम ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स यूज करूँगी, जिससे कि जो हमारा जो टिक्की होगा क्रिस्पी हो। तो अब मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो चिली फ्लेक्स डालिएगा ज़रूर। और यहाँ पे चूरी भी डाल लेंगे, जिससे कि एक डोफ तैयार कर लें। आपके पास सूजी नहीं होगा तो आप वो कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल के या फिर वो सूजी डाल के एक अच्छा सा डो सॉफ्ट वाला बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैं मिक्स करते करते वो डो एक अच्छा सा रेडी कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसे टिक्की के जैसा, वो मैं आपको टिक्की का साइज बनाना सिखा रहा हूँ। पहले हम थोड़ा सा वो ले लेंगे डो, और उसे पिचका देंगे गोल गोल बना के, बॉल बना के उसे पिचका देंगे। तो हमारा टिक्की का शेप रेडी हो जाएगा। अब हमें एक पैन में या फिर कढ़ाई में एक गरम तेल लेना है, और उसे गरम कर देना है तेल को, फिर इसमें टिक्की डालना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने टिक्की डालना जैसे ही डाला है वैसे ही पकने लग गया है हमारा टिक्की। वैसे ही आपको बहुत गर्म तेल लेना है, एकदम गैस पे छानेंगे। तो गाइस, ये कम से कम मुझे 5 मिनट लगा इसे पकाने में। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्रिस्पी हो गया मेरा, ये मतलब पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो गाइस, अब हम बर्गर लेंगे, बर्गर का पेट वो काट लेंगे, और आगे और पीछे वाला जो उसे तेल से फ्राई कर देंगे। आगे और पीछे वाला पार्ट तेल से फ्राई कर देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रेड वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट को फ्राई मत करना, वरना फिर आपका जो बर्गर है ऑयली ऑयली हो जाएगा। इसलिए आप ब्रेड का पीछे वाला पार्ट और एक और पार्ट है ना, उसमें से भी पीछे वाला पार्ट को ही करना, वाइट वाले पार्ट को मत करना फ्राई। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं टिक्की को निकाल रही हूँ मेरा पकने के बाद। आप देख सकते हैं टिक्की को कैसे अच्छे से निकाल रही हूँ, तेल को पूरा वो करके। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बर्गर को छान लिया है, और हमने ये भी काट लिए टमाटर प्याज, और चटनी भी हम पीस रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको चटनी का लिंक, मतलब चटनी कैसे बनाएं मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो गाइस, हमें सबसे पहले लेना है पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, जो यहाँ पर ले रहे हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मेयोनीज, वाइट कलर वाला, या फिर आप बर्गर मेयोनीज भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी चटनी, जो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, तो आप देख लेना जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम यहाँ पे वो सलाद लगाना शुरू कर देंगे, टमाटर प्याज खीरा ये सब लगाना शुरू कर देंगे। जब पहले आप सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस और ये लगा के मेयोनीज लगा के आप टिक्की भी रख सकते हो। मैं बाद में टिक्की रखूँ, ताकि खाने में हमारा ही मर्जी होता है कि कब रखें। तो आप मैं तो बाद में रख लूँ ताकि खाने में मज़ा आए। गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा बर्गर रेडी है, अब इंजॉय कीजिए।